और ये प्रशिक्षक द्वारा दोनों वेपन्स के पुर्जों को आपस में मिलाया जा रहा है, दोनों पार्ट्स को मिक्स कर दिया जाएगा। आपको बताना चाहूंगा दोनों अलग अलग वेपन है, 7.62 एमएमए के 47 है और 5.56 एमएमए इंसास राइफल। दोनों पार्ट्स को पूरी तरह से मिक्स कर दिया गया है, आंखों पर पट्टी बांध के पार्ट्स को पहचाना जाएगा। एक एक वेपन के पार्ट को उठाया जा रहा है, उनके नाम बताए जा रहे हैं और किस वेपन से संबंधित है ये बताया जा रहा है। केवल छूकर इस तरह की कार्रवाई तभी संभव है जब एक जवान वेपन्स में मास्टर और आत्मविश्वास से भरा हुआ हो। कोई भी परिस्थिति हो, कैसे भी हालात हो, हथियार का सही इस्तेमाल करने की योग्यता हासिल करना इस प्रशिक्षण का मकसद है। दोनों वेपन्स के पार्ट्स को अलग अलग किया गया और अब दोनों वेपन्स को आंखों पर पट्टी बांधकर जोड़ा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये सर्विस वेपन है, जिन वेपन को खुली आंखों से खोलना जोड़ना भी मुश्किल होता है, उन्हीं हथियारों को आंखों पर पट्टी बांधकर खोला जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, वो भी मिक्स किए हुए पुर्जों को अलग अलग करके। ऑटोमेटिक वेपन्स के इस युग में यहां एक पल भर की देरी प्राण घातक हो सकती है, उस समय एक जवान में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो किसी भी हालात में अपने वेपन को तैयार कर सके और फायर में शामिल कर सके। वेपन्स को कलेक्ट किया जा रहा है, इसी के साथ वेपन से संबंधित ये प्रदर्शन यहीं पर समाप्त होता है।